नमस्कार, स्वागत है आपका N27 न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ संजीवनी चौधरी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने 27 जुलाई को विधानसभा में BJP पर आरोप लगाया था कि BJP अगले साल की लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की छवि को खराब दिखाने के लिए लोगों के बीच विभाजन पैदा करके गड़बड़ी पैदा करने की योजना बना रही है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक चर्चा के दौरान ममता ने दावा किया कि उन्हें जानकारी है कि BJP की ये योजना हाल ही में उसके प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान तैयार की गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि BJP ने ऐसी किसी भी पार्टी को कोष देने की योजना बनाई है जो तृणमूल कांग्रेस के मतों को विभाजित कर सके। वहीं ममता ने कहा, मुझे राष्ट्रीय राजधानी में 2 BJP की बैठक के बारे में जानकारी है। मैं उस बैठक में मौजूद लोगों का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वे समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की योजना बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा, वे महिलाओं, दलित और आदिवासी सहित कमजोर वर्गों के खिलाफ कथित अपराधों को उजागर करने की योजना बना रहे हैं ताकि राज्य की खराब छवि पेश कर सके। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हुई हिंसा और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्षी BJP की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वहीं BJP नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुभेंदु अधिकारी ने ये प्रस्ताव रखा और अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने इसकी अनुमति दी। वहीं विधानसभा में मणिपुर की यात्रा को ममता बनर्जी ने कहा, इंडिया का एक दल मणिपुर का दौरा करने जा रहा है, ये अच्छा कदम होगा, उसे जाने दीजिए और खुद ही स्थिति देखने दीजिए और वहाँ लोगों से बातचीत करने दीजिए और उनका पक्ष सुनने दीजिए। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने केंद्र को पत्र लिखकर मुझे वहाँ जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। अभी के लिए इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।